यहाँ पे देखें 0.01, अगर पाकिस्तान से आप हैं तो 4 स्टेप आएगा सेल ऑन योर वेबसाइट। आप या तो उसको एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर दें, ये जो 338,000 है ना, ये इसकी बेस के ऊपर अमाउंट रिजर्व पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ये सोचते होंगे कि आप अपना क्रिप्टो करेंसी का कॉइन क्यों नहीं लॉन्च कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी का कॉइन लॉन्च कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। 1 to 5 से जो है ना, मैंने सिंपल स्टेप में इसको डिवाइड किया है, बहुत ईजी है, आप लोग अपना क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये याद रख लेना है कि आपको थोड़े से उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आप उसका प्रोजेक्ट क्या है आपका, कोई वेबसाइट आप बना रहे हैं या कोई भी डिजिटल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपने प्रोजेक्ट का नाम रख लिया है प्रोजेक्ट एक्स, तो इसके साथ साथ आपने क्या करनी होगी, इसकी वेबसाइट क्रिएट करनी होगी। आप लोगों ने वेबसाइट क्रिएट कर ली, अब दूसरे नंबर पे जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है कि उसका कॉइन कैसे बनाएंगे, उसके टोकन कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों ने टोकन बनाने के लिए आप लोगों ने जाना है पिंक सेल के ऊपर। पिंक सेल के ऊपर आप जाएंगे इस तरह से, इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ये सारी मालूमात आपको दिख रहा है। जब आप लोगों ने कॉइन लॉन्च करना होगा तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन आपको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में बताने के लिए 5 स्टेप्स लिखे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कॉइन आप लॉन्च कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से चैलेंजेस आपको अलॉन्ग द वे फेस होंगे। तो दोस्तों जब अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर, क्रिएट टोकन। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे पिंक सेल के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि जब आप टोकन क्रिएट कर रहे होंगे उस वक्त आपको थोड़ी सी फ़ी पे करनी पड़ेगी, गैस फीस इसको कहते हैं। तो हम होम पे जाते हैं, जब आपने यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट कर लिया मेटामास्क के साथ, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट नाउ। अब क्रिएट नाउ जब आप करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट टोकन का, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई टोकन, एंटर द टोकन एड्रेस वगैरह वगैरह, इसको छोड़ देना है, आप लोगों ने क्रिएट टोकन करना है फ्रेश। यहाँ से आप देखें स्टैंडर्ड टोकन आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने नेम डालना है, नेम डालना है एक्स पॉइंट जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उसके बाद सिंबल है उसका कोई भी सिंबल है और डेसिमल है। डेसिमल का मतलब ये है कि आपका एक कॉइन जो है ना कितने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो सकता है। मैं 100 में करता हूँ तो इसका मतलब है आपका एक कॉइन का 100वां हिस्सा भी सेल हो सकता है, इतना डिवाइड हो सकता है। ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि 64 डेसिमल की, हम तो 64 कर देते हैं मैक्सिमम। और यहाँ पर आप अपना जो है ना वो डाल सकते हैं, क्या कहते हैं जो है ना क्वान्टिटी, टोटल सप्लाई आप लोगों ने कितनी रखनी है, जितनी मर्जी रखना चाहें आप मर्जी रख सकते हैं, फीस चेंज नहीं होगी, सेम फीस होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कॉइन लॉन्च करने में कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, 0.01 एथेरियम। अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में, मैं आपको प्राइस कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ टू PKR, यहाँ पे देखें 0.01। अगर पाकिस्तान से आप हैं तो 6,183 आज की डेट में ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर आप इंडिया से हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें 1840 रुपये आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस स्टेज के ऊपर जो नंबर 2 पे था वहाँ पे आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, आपके कॉइन क्रिएट हो गए, आप मिलियन करना चाहते हैं, बिलियन करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। जब आपके पास यहाँ पे कॉइन कनेक्ट हो गए, कॉइन जो है ना क्रिएट हो गए, तो ये आपको एक एड्रेस देगा, जो एड्रेस आप यहाँ पे फिर आप आएंगे सेकंड जो थर्ड ऑप्शन जो आपका आएगा वो आएगा यूनिस्वैप। ये देखें Add money to its liquidity। देखिए आपका जो कॉइन होगा उसकी वर्थ कोई नहीं होगी जब तक उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, यूनिस्वैप पे जाना है। सबसे पहला जो है यूनिस्वैप के ऊपर इजीली लिस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाता है जब आप पिंक सेल के ऊपर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने कॉइन का एड्रेस डालना है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे सेलेक्ट टोकन कर सकते हैं या यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं। जब आप कॉइन क्रिएट करेंगे तो आपका एड्रेस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं जब आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आते हैं तो किसी भी जो है ना आप कॉइन को उठा लें, यहाँ पे उसका एक जो है ना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, ये देखें सॉरी अच्छा ये देखें ये इसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी ये देखें हर कॉइन का इसका आप एड्रेस कॉपी टू द क्लिपबोर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे जैसे ही वो आपको एड्रेस देगा तो आपने इधर पेस्ट करना है, तो उसी वक्त आपके पास कॉइन यहाँ पे शो हो जाएगा आपका। जैसे कॉइन शो होगा यहाँ पे आपको वो कहेगा लिक्विडिटी ऐड करें, कितनी लिक्विडिटी ऐड करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने एथेरियम में ऐड करनी है तो आप एथेरियम उसको देंगे, फॉर एग्जांपल आप 1 एथेरियम ऐड करते हैं, 2 एथेरियम ऐड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना। तो जब आप अपनी लिक्विडिटी ऐड करेंगे उसमें, उस वक्त आप अपनी उसकी प्राइस सेट कर सकेंगे। जब आपने उसकी प्राइस सेट कर दी तो उसका मतलब क्या है कि वो उतने में बिकने लग जाएगा, लोग उसे लेना शुरू कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद फोर्थ स्टेप आएगा सेल ऑन योर वेबसाइट। आप या तो उसको एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर दें, और नया कॉइन होता है तो वो एक्सचेंज के ऊपर फॉरन लिस्ट नहीं होता, वही सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा,
लेकिन वो स्ट्रेट अवे वो जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो लिस्ट नहीं करती आपका। तो आप क्या करते हैं, अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करते हैं या सोशल मीडिया चैनल के ऊपर जो है ना उसकी पब्लिसिटी करते हैं। जब पब्लिसिटी करते हैं लोगों को पता लगता है, लोगों को आइडिया और उसके पीछे नज़र आता है, तो वो लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं और उसको बाय करना चाहते हैं। तो जो उस अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी सेल नहीं कर पा रहे एक्सचेंज के ऊपर, तो शुरू में लिस्ट हो गए नहीं क्योंकि नया कॉइन है बिल्कुल। तो लोग इस तरह से करते हैं, इसको कहते हैं ICO ड्रॉप्स, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। तो क्या करते हैं लोग जो है ना इनिशियल कॉइन ऑफरिंग पे जाते हैं, यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे इसको मैंने क्लिक किया तो इसकी आपकी वेबसाइट लिस्ट होगी और वहाँ पे आपका एम लिखा होगा कि आप कितने कॉइन्स जो है ना शुरू में ऑफर कर रहे हैं। तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे जो है ना एक ऑप्शन दे सकते हैं जहाँ पे आपको कॉइन डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, लोग आपको पेमेंट कर सकते हैं और आप अपने कॉइन उसको सेल कर सकते हैं। जितनी भी ICO वाली कंपनी होती है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग वाली कंपनीज होती हैं, वो शुरू में इस तरह से करती हैं क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं होती। उन्होंने क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट बना के इस तरह की वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कर देते हैं और फिर वो लोग आपके आगे बाय करते हैं। जैसे जैसे आपके कॉइन वो बाय करते रहते हैं तो वो क्या, इसका मतलब ये है कि वो पेमेंट आपके कंट्रोल में आती जाती है। आप चाहें तो उसको यूनिस्वैप के ऊपर उसकी लिक्विडिटी में रख दें, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। और ऐसा भी होता है कुछ लोग जो है ना जो रॉन्ग होते हैं, जो बैड एक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं आप जो पेमेंट आ रही होती है वो खा के भाग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपकी यहाँ पे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग हो जाती है, आपके पास लिक्विडिटी में यहाँ पे यूनिस्वैप के ऊपर उसकी लिक्विडिटी में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि आप जाते हैं ना डेक्स के ऊपर, डेक्स टूल के ऊपर, तो यहाँ पे आप लिक्विडिटी देख सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि उसकी बेस के ऊपर इतना पैसा पड़ा है। ठीक है, कोई भी यहाँ से आप कॉइन उठाएं तो यहाँ पे जैसे ये है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट इसकी लिक्विडिटी। ये देखें, ये जो 338,000 है ना, ये इसकी बेस के ऊपर अमाउंट रिजर्व पड़ी है, तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी। चाहे तो आप इस लिक्विडिटी के रहने दें यूनिस्वैप के ऊपर और चाहे तो इसको निकलवा लें, लेकिन अगर लिक्विडिटी रहेगी तो आपके कॉइन की वर्थ भी पड़ेगी और कॉइन की स्टेबिलिटी भी पड़ेगी और उसकी प्राइस ओवरऑल ऊपर जाएगी। अगर आप ये निकलवाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको पता लग जाता है कि ये कॉइन डोजी है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी में छोड़ सकते हैं, वरना अदरवाइज ये अमाउंट आपके कंट्रोल में आती जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये आपकी कॉइन फेमस होता जाएगा, सेल होता जाएगा, उसी तरह से आपके पैसे आते जाएंगे और वो आप पैसे उसके जो प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसकी लिक्विडिटी में उसके रिजर्व में रख सकते हैं। नंबर फाइनल जो नंबर 5 पे आता है वो आता है एक्सचेंज के ऊपर इन्वेस्ट लिस्ट करना। आपने सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आके लिस्ट करना होता है अपना। यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर आप लोगों ने लिस्ट करना है तो बिल्कुल ईजी है। आपने गेट लिस्टेड पे जाना है, क्रिप्टो करेंसी या एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी क्लिक करना है और आपने इसका फॉर्म फिल करना है और आपको ये अप्रूव कर देंगे या अनअप्रूव कर देंगे, आपको रीज़न बताएंगे। अगर आप रीज़न को रिजॉल्व कर सके तो ये पूरा फॉर्म है, आपने सेलेक्ट कर दिया तो आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने बाइनांस और कॉइन बेस इन सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करने का इसी तरह के बिल्कुल सेम तरीका कार है। आप लोगों ने उनको जो फॉर्म सबमिट करवाना है और उन्हें क्वेश्चनिंग बैक एंड फोर्थ करनी है और उसके बाद अगर आपका कॉइन वैलिड है सॉलिड है तो उसके बाद सारे पैरामीटर्स सारे पैरामीटर्स उसके फुलफिल करता है तो वो आपके कॉइन को लिस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा एक रोड मैप। सबसे पहले तो आपके पास कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए, अगर आपको प्रोजेक्ट सॉलिड है आप उसको बिलीव करते हैं तो गो फॉर इट, क्रिएट एंड लॉन्च योर कॉइन। और ये स्मॉल जर्नी नहीं है, ये लॉन्ग जर्नी है। एटलीस्ट अगर आप अपना कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं तो कम से कम अपने माइंड में रखें कि एटलीस्ट $2,000-$3,000 आपके पास होना चाहिए मिनिमम, बेयर मिनिमम। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा स्टेबल हैं बिल्कुल, मतलब एक समझ लें कि एक मीडियम साइज़ का आपका प्रोजेक्ट है, तो आप $20,000-$50,000 अपने माइंड में रख सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपने कॉइन भी लॉन्च करना है, उसकी लिक्विडिटी ऐड भी करनी है और लिक्विडिटी ऐड करने के बाद एक और आपके पास स्टेप आएगा कि वो आपने उसको सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो उसको पब्लिश करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, लोगों को इंटरेस्ट पैदा करना है। ये सारे कामों में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना है। जैसे वो बिल्ड करेंगे लोगों के अंदर जो है ना इंटरेस्ट पैदा होगा और लोग आपका कॉइन बाय करना शुरू कर देंगे और जैसे कॉइन बाय करना शुरू कर देंगे तो आपके पास पैसे आते जाते हैं और आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान तरीका है, अगर आप अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं तो बिल्कुल ईजी है। अगर ये देखें, मैंने यहाँ पे आपको एक बर्ड आई व्यू दिया बिल्कुल सिंपल, लेकिन अगर आप इसके बारे में डेप्थ में समझना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझे चाहते हैं कि किसी भी एक स्टेप में मैं आपकी हेल्प करूं या आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं, मैं आपको उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द एंड। मैं आपको और वक्त नहीं लूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।